नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के एक्सपायरी लेवल के। बहुत दिनों से हमने एक्सपायरी लेवल्स के बारे में बात नहीं किया है, तो हम यहाँ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों को रिलेट करेंगे कि एक्सपायरी लेवल्स क्या होगा। देखिए, दोनों में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या आप ट्रेडर, प्राइस एक्शन को जरूर सीख लीजिए। आप इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कब प्राइस एक्शन ऐसा बना रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट में एग्जिट होना चाहिए और कब एंट्री लेना चाहिए। तो इन्वेस्टर बनते हैं या आप ट्रेडर, प्राइस एक्शन सीख लीजिए तो काफी हेल्पफुल होगा आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में। प्राइस एक्शन काफी बेहतरीन है। प्राइस एक्शन आपको बताता है कि एक्सपायरी लेवल कल कहां हो सकता है। देखिए, एक्सपायरी लेवल में हम सबसे पहले बात करें तो यहां पर जो सबसे पहला रेसिस्टेंस है वो है 1500-1840, और अगर आप ओपनिंग की बात करें तो कल मैक्सिमम चांस है कि हम गैप अप ओपन होंगे, क्योंकि डाउ जोंस जो है वो 0.5% मतलब 0.5% अप है। तो ज्यादातर चांस है कि ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो हम गैप अप ओपन हुए। लेकिन यहाँ जो प्राइस एक्शन आज बनाया था वो काफी ज्यादा वीक था, लेकिन लास्ट में एक कैंडल जो है पॉजिटिव बनाया, तो हो सकता है कल गैप अप ही ओपन दे। तो गैप अप ओपन होता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ऊपर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो है 15,840, और जो नीचे सपोर्ट लेवल है, मुख्य रूप से अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो है 15,675। ये हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आता है, या मुख्य रूप से अगर बात करें साइकोलॉजिकल लेवल तो 15,650 ये सपोर्ट लेवल होगा। इसके जो आसपास जो मुख्य रूप से एक साइकोलॉजिकल जो नंबर आता है वो 650 का आता है, और अगर उसको ब्रेक करते हैं तो 600 सपोर्ट लेवल होगा, और उसको ब्रेक करते हैं तो 500। तो ये सारा लेवल्स है, लेकिन जो प्राइस में वीकनेस था वो वीकनेस भी लास्ट आवर में देख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है। तो हो सकता है कल मार्केट एक रेंज बाउंड आपको यहाँ पर दिखे, या बाद में हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद आपको नीचे का मोमेंटम भी दिखा सकता है, क्योंकि आज मार्केट में थोड़ा वीकनेस देखने मिला। तो प्राइस एक्शन में जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 850 का है, 840 का है, और इसको ब्रेक करता है तो अगला हमारा 900 का रेसिस्टेंस लेवल होगा। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन का। देखिए, ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए सीखना काफ़ी बेहतरीन होता है। वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन है, इससे आप एक वीक का मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है मंथली ऑप्शन चेन को एनालिसिस से आप मंथली वाइज मतलब डेली चार्ट पर मार्केट के मूवमेंट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो ओआई का राइटिंग हुआ है आज, जो चेंज इन ओआई है वो है 15,650, और देखिए 15,670 यहाँ पर सपोर्ट भी हमारा निकल के आ रहा था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हुई है वो है 650 का, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ये सपोर्ट बनेगा। जो पुट होता है वो सपोर्ट का काम करता है, और जो ज़्यादा ओआई रहता है कॉल में वो हमारा रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुआ है आज वो है 15,850 पे, और दूसरा जो कॉल राइटिंग हुआ है 15,750 पे। ये वीडियो जो है पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, तो जो चेंज इन ओआई होता है वो आपको जो मार्केट कल ट्रेड होगा तो पहले A1 आवर आपको देखना पड़ेगा चेंज इन ओआई किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर पुट डायरेक्शन में हो रहा है तो निश्चित है वो सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट को अपट्रेंड में रखने की कोशिश करेगा। अगर चेंज इन ओआई जो है कॉल में वो बढ़ता है तो आपका जो मार्केट है उसमें वीकनेस देखने मिल सकता है। तो लाइव मार्केट में 1 आवर तक आपको ये भी देखना है कि चेंज इन ओआई किस में ज़्यादा हो रहा है, पुट साइड या कॉल साइड। तो लाइव मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो काफ़ी ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि चेंज इन ओआई किस में हो रहा है, पुट साइड या कॉल साइड। और ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन है, आपको हम मैं ट्रेड करने के लिए रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये कॉल राइटिंग होता है इसको आप मंथली चार्ट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट का मूवमेंट क्या होगा इसको समझने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं ये वीडियो लगातार जो हर वेडनेसडे होगा उस दिन आपको मैं बना करके बताऊंगा, ताकि आप धीरे धीरे इस चीज़ को भी सीख सकें, उससे मार्केट के भी डायरेक्शन को उससे भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन पे ज़्यादा बेहतर होता है हमारे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको कई बार देखने मिलेगा कि जो पुट और कॉल का रेशियो होता है, जो PCR रेशियो है, अगर PCR रेशियो 1 से पॉजिटिव है मतलब मार्केट हमारा बुलिश रहने वाला है, और PCR रेशियो 1 से कम है मतलब मार्केट में वीकनेस आने वाला है, सेलिंग आने वाला है।
तो यहाँ पर पहला हमने देखा था कॉल में जो राइटिंग सबसे ज़्यादा है वो किस प्राइस पे है, वो स्पॉट जो है वो है 15,850। तो सबसे ज़्यादा जो राइटिंग है वो है 15,850 पे। तो 15,850 सबसे मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद दूसरा जो है वो राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है आज, वो है 750 पे। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर देखिएगा चेंज इन ओआई जो यहाँ पर डिक्रीज जो होगा काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। और वहीं टोटल ओआई की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओआई जो राइटिंग है वो किस पे है, 900 पे। सबसे ज़्यादा ओआई का राइटिंग जो ओवरऑल राइटिंग चेंज इन ओआई ज़्यादा है 850 पे, 900 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग है। उसके बाद सबसे ज़्यादा राइटिंग है 800 पे। देखिए ये क्यों है, क्योंकि एक होल नंबर है, मतलब ये सीधा एक होल नंबर जो होता है उस पे ज़्यादा राइटिंग देखने आपको हमेशा मिलेगा। फिर यहाँ पुट साइड की बात किए थे, पुट साइड सबसे ज़्यादा राइट चेंज इन ओआई जो है वो था 650 पे, 15,650। यहाँ पर देखिए पुट राइटिंग का अगर नंबर देखेंगे तो काफ़ी कम है, 41,000 ये है, 42,000। और वहीं यहाँ पर बात करें कॉल राइटिंग का 87,000। और यहाँ पर देखिए फिर कॉल राइटिंग जो 15,800 वहाँ पर 74,000। तो कहीं ना कहीं ओआई जो है कॉल राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पुट राइटिंग का जो ओआई है वो काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने मिल सकती है। लेकिन इंट्राडे में, मतलब एक दिन में आपको एक्सपायरी के दिन, तो 1 आवर में देखना पड़ेगा कि चेंज इन ओआई किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर पुट साइड ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं उस साइड जो है ऊपर की ओर क्लोजिंग दे सकता है, एक्सपायरी दे सकता है। अगर चेंज इन ओआई कॉल में ज़्यादा होता है पहले 1 आवर में, तो हो सकता है मार्केट में वीकनेस दिखे। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन रेटिंग के हिसाब से देखते हैं तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि डाटा एनालिसिस भी काफ़ी बेहतरीन होता है, जिससे हम डायरेक्शन को, मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी जो है वो पीसीआर रेशियो वो कम दिखेगा, क्योंकि जो पीसीआर रेशियो 1 से कम दिखेगा, क्योंकि पुट राइटिंग काफ़ी कम दिख रहा है जबकि कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो जो निफ्टी का एक्सपायरी लेवल निकल के आया ऑप्शन चेन से, उसमें भी दिख रहा है कि ये 850 जो है ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो मेजर सपोर्ट है वो 550। यहाँ टोटल वाई के हिसाब से, चेंज इन वाई के हिसाब से 650। कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है या कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वहाँ पर ओआई जो है आपको अपने आप डिक्रीज होता दिखेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो राइटर हैं जिनका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हिट होगा और वहाँ पर वो अपना निकलते जाएंगे। तो वहाँ पर चेंज इन वाई आपको आपको अपने आप देखने मिलेगा। जैसे मार्केट गिरता है तो आपको देखिएगा चेंज इन वाई लगातार कॉल में बढ़ता हुआ मिलेगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है चेंज इन वाई पुट साइड आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। लाइव मार्केट में ये हमेशा आपको देखते रहना पड़ेगा। साथ साथ इसी को बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन से भी फॉलो करते हैं कि किस जिस तरह से मार्केट का डायरेक्शन जो हो रहा है उस तरह से हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये था निफ्टी का एक्सपायरी लेवल जो कि निकल के आया, जो मेजर रेसिस्टेंस होगा वो 800 होगा, 850 होगा, और जो सपोर्ट लेवल होगा वो सपोर्ट लेवल होगा पहला 650 का, और जो उसके बाद सपोर्ट लेवल होगा तो 500 का। ऐसे भी पीसीआर रेशियो 1 से कम है तो मार्केट यहाँ से अगर गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है 650 से 500 तक ऑप्शन चेन के हिसाब से। वहीं प्राइस एक्शन में मैंने आपको बताया ही, प्राइस एक्शन भी लगभग इसी लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस अगर गिरता है तो 650-670 से, तो यहाँ पर इजिली ये 600 आएगा। और यहाँ पर अभी कोई खास सपोर्ट हमें 600 पर अभी फिलहाल के 2-3 दिनों में नहीं देखने मिला है, तो 500 तक ये बहुत तेज़ी से ये यहाँ पर गिर सकता है। तो प्राइस एक्शन में वो वही दिखा रहा है जो कि ऑप्शन चेन में, तो दोनों में काफ़ी कोरिलेशन है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ प्राइस एक्शन आपको गिरता देखे मिलेगा, उसी तरह से ऑप्शन चेन में भी ओआई आपको लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो दोनों में काफ़ी कोरिलेशन है, तो आप जिसको फॉलो करना चाहें दोनों काफ़ी बेहतरीन है। तो एक्सपायरी लेवल आपको मैंने बता दिया, आप चाहें तो एक्सपायरी लेवल नोट कर सकते हैं। जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 850 का है, और 850 को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होगा मार्केट को कल। लेकिन सपोर्ट यहाँ पर कोई भी ब्रेक हो सकता है अगर मार्केट में वीकनेस दिखा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर वीकनेस देखने मिला है।